श्री राम मंदिर न्यू रसीला नगर फेज टू बस्ती दानिशमंदा जालंधर में श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में 29 मार्च तक दुर्गा स्तुति के पाठ साईं 4 बजे से 6 बजे तक करवाए जा रहे हैं, जिसके चलते मंदिर प्रांगण में उपस्थित भक्तों ने दुर्गा स्तुति के पाठ कर मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर मंदिर कमेटी के चेयरमैन बलदेव राज चौहान ने बताया कि श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में 29 मार्च तक प्रातः प्रभात फेरियां भी निकाली जाएंगी। उन्होंने सभी राम भक्तों से इन प्रभात फेरियों में बढ़ चढ़ कर भाग लेने की अपील की। इस मौके पर प्रधान सतनाम अरोड़ा, सचिव महेश सोडी, कोषाध्यक्ष जनकराज सतपाल बिंदु, हरबंस लाल अरोड़ा, शिव कुमार शर्मा, दिनेश कुमार, किशन लाल सोनिक, सविता रानी, प्रियंका, नीरू, डिंपल, ज्योति, सुमन, कांता, संयोगिता, संगीता सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन दविंदर की रिपोर्ट। जय श्री राम, जय माता दी। श्री राम मंदिर न्यू रसीला नगर फेज टू श्री बस्ती दानिशमंदा में आज चैत्र नवरात्रे के छठे अवतार माँ कात्यायनी की सुंदर भक्तों द्वारा स्तुति राम मंदिर में चल रही है। माँ कात्यायनी सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाली है। ओम कात्यायनी चविद्महे कन्याकुमारी धीमे तन्नो दुर्गे प्रचोदयात। इस 9 दिन में जो माता की उपासना, शक्ति की उपासना कर, क्योंकि शिव भी, भगवान शंकर भी शक्ति के बिना अधूरा है। शिव का अर्थ का सी निकाल दो तो सब रह जाता है। भगवान शंकर भी जो शक्ति के बिना जो है अधूरे हैं, इसलिए माँ की जितना शिव शक्ति के अर्धांगनी है, इतने भक्तों को भी माँ की उपासना अति आवश्यक है। तो माँ कात्यायनी सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें, सबके दुख कष्ट को दूर करके सबकी मनो इच्छा पूर्ण करें। जय माँ कात्यायनी, जय माँ मत्तिनी, जय करा शेर वालिदा, बोल सच्चे दरबार की जय। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर में श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी द्वारा शुरू हुई नवरात्रों की हर शाम माँ के नाम भजन संध्या के छठे दिन का आगाज माँ कात्यायनी जी की पूजा अर्चना के साथ हुआ। छठे दिन की भजन संध्या की शुरुआत राजकुमार सहगल एंड पार्टी ने गणेश वंदना के साथ की। उन्होंने माँ भगवती के भजनों से सारे वातावरण को भक्तिमय बनाया। वहीं श्री राम भगवान के सुंदर भजन सुनाकर सभी माँ भक्तों को 29 मार्च को श्री देवी तला मंदिर से निकलने वाली श्री रामनवमी शोभायात्रा में शामिल होने का संदेश दिया। भजन संध्या में मंच संचालन बलदेव आनंद ने किया। इस अवसर पर श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, संयुक्त सचिव CAVM अरोड़ा, पूर्व प्रधान विनोद गुप्ता, मंच संचालक बलदेव आनंद, पूर्व पार्षद रीटा शर्मा, यादव खोसला, रमन शर्मा, भारत भूषण बजाज, जगमोहन सिंह खोसला, पूर्व पार्षद भूषण कोहली, पूजा खोसला, सीमा महेंद्रू, सीता बांसल, मीरा महेंद्रू, जानवी मल्होत्रा, पूनम आनंद, वैदेही वंशिका, सौम्या सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। जालंधर से कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। गुफ्तगू तूने सिखाई मैं तो गूंगा था, अब जो बोलूं तो बातों में असर भी देना, के माता रानी ठीक करेगी, माता रानी ठीक करेगी, माता रानी ठीक करेगी, माता रानी ठीक करेगी, माता रानी ठीक करेगी।
अर्बन एस्टेट फेज वन में नवरात्रों की शाम माता की चौकियों का आयोजन भजन संध्या के रूप में किया जा रहा है, जिसके छठे दिन गायक अशोक शर्मा और कुमार आशुष शर्मा एंड पार्टी ने अपनी मधुर भेंटों एवं सुंदर भजनों से सारे वातावरण को भक्तिमय बनाया। इस मौके पर प्रधान राकेश अग्रवाल ने भजन गायक अशोक शर्मा और कुमार आशुष शर्मा को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। इस मौके पर मंदिर प्रबंधक कमेटी सदस्यों की ओर से आए हुए अतिथियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया गया। अंत में भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। थोड़ी देर लिया सब पूरे दुमर ने बचा हमें थोड़ी देर लिया सभी चौपड़ी चुपेरा बैपा हमें थोड़ी देर लिया आओ जी तेरा स्वागत है आओ जी स्वागत है जीवन की जो गाड़ी है उसके मार्गदर्शक है प्रभु राम। अभी राम नामी आने वाली है ना, और 29 को विशाल जीवन यात्रा मां दुर्गा महारानी की अध्यक्षता में उसकी पावन ज्योत के माध्यम से
पूरे शहर का भ्रमण करती थी, सिर्फ पीठ में ही विश्राम लेती और फिर रामनवमी में परिश्रम और राम जी की कृपा से हमारा गृहस्थ जीवन मंगल न हो, अपने अपने घरों में रामनवमी वाले दिन ज्योत का प्रकाश करो, हनुमान की ईर्ष्या करो, राम नाम की आराधना करो, मारुति करो। श्री राम मंदिर न्यू रसीला नगर फेज टू बस्ती दानिशमंदा जालंधर में श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में पांचवी प्रभात फेरी निकाली गई। ये प्रभात फेरी मंदिर प्रांगण से शुरू होकर इलाके की परिक्रमा कर वापस मंदिर प्रांगण में आकर संपन्न हुई। इस अवसर पर प्रभु भक्तों ने भगवान श्री राम जी की महिमा का गुणगान कर माहौल को भक्तिमय रूप प्रदान किया। इस मौके पर प्रधान सतनाम अरोड़ा, सचिव महेश सोडी, कोषाध्यक्ष जनक राज सतपाल बिंदु, हरबंस लाल अरोड़ा, शिव कुमार शर्मा, दिनेश कुमार, किशन लाल सोनिक, सविता रानी, प्रियंका, नीरू, डिंपल, ज्योति, सुमन, कांता, संयोगिता, संगीता सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन दविंदर की रिपोर्ट। Thank you.
तुलसियापति रामचंद्र भगवान की जय। जयकारा शेरां वाली दा बोल साचे दरबार की जय। श्री राम जन्मोत्सव कमेटी बस्ती दानिशमंदा वालों, श्री राम मंदिर बस्ती न्यू रीला नगर बस्ती दानिश वालों अज पंजवीं प्रभात फेरी इलाके की परिक्रमा करती हुई राजकुमार बांगा जी के घर पहुँची। इत्थे बहुत निघा स्वागत किया प्रभात फेरी का, और कल की जो प्रभात कल की जो शोभा यात्रा है इतों ठीक 2 बजे श्री राम मंदिर न्यू रीला नगर चलेगी, जो इलाके की परिक्रमा करती हुई श्री देवीतला मंदिर पहुँचेगी और उस नाल चल के सारे शहर की परिक्रमा करेगी। इस तो इलावा कल सवेरे 9 बजे श्री राम मंदिर रामायण का पाठ रखा जाएगा, और रामनौमी वाले दिन सवेरे 10 बजे रामायण के पाठ का भोग पाया जाएगा और अटुट लंगर वरताया जाएगा। इस मौके दे सारे इलाके नू हाथ जोड़ के बेनती है कि हुम हुमा के पहुँचो शोभा यात्रा विच भी और रामायण के पाठ से भी और रामायण के पाठ से भोग से भी। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर के पावन प्रांगण से श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में 29 मार्च को निकाली जा रही विशाल श्री रामनवमी शोभा यात्रा को भव्य रूप प्रदान करने हेतु संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। संपर्क अभियान की टीम में शामिल रमन शर्मा, अश्विनी शर्मा, सौरभ शर्मा और मुनीश शर्मा ने गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा अड्डा होशियारपुर चौक जालंधर के मक्खन सिंह, अमृतपाल सिंह भाटिया, बूटा सिंह, भाई पावनिक सिंह, भाई गुरपाल सिंह, वरिंदरजीत सिंह, सरदारा सिंह मक्कड़, प्राचीन त्रिवेणी मंदिर टांडा रोड जालंधर के भगवान दास शर्मा, दविंदर कुमार, पंडित जगजीवन तिवारी, प्रदीप विच पंडित रंगलाल जोशी, श्री कैलाश आश्रम टांडा रोड जालंधर के पंडित संजय तिवारी, अतुल तिवारी, राघव तिवारी, माधव चोपड़ा, राघव चोपड़ा, आरएल सौंधी, दक्ष सौंधी, श्री सत्यनारायण मंदिर टांडा रोड जालंधर के राकेश शर्मा, राजेश शर्मा, युवराज, हरमन गौतम, सरला देवी, गुलशन, अनमोल, रोशन, प्राचीन शिव दुर्गा मंदिर अमर नगर जालंधर के कुलदीप कौर, पंडित चंद्र प्रकाश, पूनम, नीतू, श्री राधा रमन मंदिर अमर नगर जालंधर के पंडित जितेंद्र कुमार, निशा कुमार, ऋषभ, श्री दुर्गा लक्ष्मी नारायण मंदिर न्यू कैलाश नगर जालंधर के पंडित माता प्रसाद शर्मा, जगदीश अरोड़ा, MS चौहान चैरिटेबल ट्रस्ट पंचपीर जालंधर के चेयरमैन गुरमिल सिंह, अमेरिका वाले रिक्की सहगल, विकास मल्होत्रा, गुरदीप सिंह, अशोक कुमार, हरदीप सिंह, मुनीश कुमार, सहगल परिवार पंचपीर जालंधर के मोनू सहगल, राजन सहगल, रिक्की सहगल, मनोज सहगल, गुरप्रीत सिंह, सुरेंद्र ठाकुर, प्रिंस खन्ना, गुरमिल सिंह, विकास मल्होत्रा, अशोक कुमार, हरदीप सिंह, मनीष कुमार, भगत सिंह चौंक सैनिटरी एसोसिएशन जालंधर के चेयरमैन अजय चोपड़ा, जनरल सचिव मुकेश वर्मा, सचिव विमल गुप्ता, कोषाध्यक्ष मनमोहक सिंह, कोषाध्यक्ष अमित अग्रवाल, गुलशन मनचंदा से संपर्क साधकर उन्हें प्रचार सामग्री भेंट कर असंख्य भक्तों व सुंदर झांकियों समेत इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र प्रदान किए। इस दौरान सभी मंदिर प्रबंधक कमेटियों के पदाधिकारियों व सदस्यों ने संपर्क अभियान की टीम को यह विश्वास दिलाया कि वह असंख्य भक्तों व सुंदर झांकियों सहित इस शोभा यात्रा में भाग लेकर प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। जालंधर हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। दुआबा श्री गुरु सिंह सभा चौंक अड्डा शाहपुर विखे दैनिक सवेरा दी टीम जो कि रामनौमी 29 तरीक न जलंधर शहर के निकल रही है, वह शोभा यात्रा संबंध में अज प्रबंधक कमेटी के मैंबर इतने गुरुद्वारे बेनती कर आए, और असी भी जिमें हर साल असी चाह पानी लंगर पकौड़े की सेवा करते हैं, वो हमेशा की तरह इस साल भी असी बढ़ चढ़ के करांगे। और शीतल बहु जी का असी बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ, जिहड़ा कि हर वेले जो भी साढ़े प्रोग्राम होंदे हन साढ़े नाल मोढ़ा ला के मोढ़ा चलते हैं, और असी रामनौमी कमेटी का सारिआं नूं जी आइआं कहिंदे हां अते धन्नवाद कहिंदे हां। अज बड़ा खुशी का दिन है साढ़े विच दैनिक सवेरा दी टीम प्राचीन त्रिवेणी महावैद मंदिर विच संपर्क अभियान दे लई आई है, जिहड़ी कि 29 तरीक नूं देवीतला मंदिर तो श्री रामनौमी की उपलक्ष्य शोभा यात्रा निकल रही है। असी
ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਧਾਈ ਹੋਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੀਤਲ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤਰਵੈਣੀ ਮੰਦਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੂੜੀ ਛੋਲੇ ਆਲੂ ਕੜਾਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੀ ਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲਦੀ ਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਦੇਵੀ ਤਲਾ ਦੇ 4 ਪਾਵੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 4 ਹੀ ਨੇ, ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਰਜੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਬਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਯੋਧਿਆ ਨਗਰੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਜੈਕਾਰਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰ ਮਾਲੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਾ ਬਹੁਤ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਸੀ ਜੀ। ਹਰ ਵਰਸੋਂ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਰਸ ਵੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਇਸ ਸਥਾਨ ਸੇ ਰਾਮਨੌਮੀ ਕੀ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਸਭੀ ਲੋਕ ਬੜ ਚੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਇਸਮੇ ਸੰਮਿਲਿਤ ਹੋ, ਇਹੀ ਸਬਸੇ ਅਨੁਰੋਧ ਹੈ। ਜੈਕਾਰਾ ਚਿੰਪੋਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਾ ਬਹੁਤ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ। ਜੋ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਦੀ ਸੋਹਣਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲੇਗੀ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜ ਚੜ੍ਹ ਕਰ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। 29 ਤਰੀਕ ਕੋ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਸੇ ਜੋ ਸੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਮੇ ਸਭੀ ਸੰਗਤ ਸੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭੀ ਸੰਗਤ ਬੜ ਚੜ੍ਹ ਕਰ ਹਿੱਸਾ ਲੇ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। 29 ਮਾਰਚ ਐਤਵਾਰ ਕੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੀਠ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਕੇ ਨਿਕਲਨੇ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਨੌਮੀ ਉਤਸਵ ਕੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਮੇ ਸੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਮੇ ਹਮ ਸਭ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਂਗੇ, ਬੜ ਚੜ੍ਹ ਕਰ ਭਾਗ ਲੇਂਗੇ। ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਸੇ ਜੋ ਸੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲੇਗੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੁੱਕ ਭਾਈ ਲੋਸ ਏਂਜਲਸ ਤੋਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਗੋਪਾਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੀਰ, ਮਾਲਪੂੜੇ, ਪਾਣੀ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨ ਸਹਿਗਲ, ਮਨੂ ਸਹਿਗਲ, ਵਿੱਕੀ ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮੂਹ ਸਹਿਗਲ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ 5 ਪੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂ। ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲੇਗੀ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਵਾਂਗੇ। श्री देवी तलाब मंदिर के मुख्य सेवादार अजय कुमार अलंकी धर्मपत्नी श्रीमती रीटा अलंका गत दिनों निधन हो गया था। उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म क्रिया का आयोजन श्री देवी तलाब मंदिर स्थित श्री राम हाल में किया गया, जिसमें आए हुए पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर वैरागमय भजनों का गुणगान कर स्वर्गीय श्रीमती रीटा अलंक को श्रद्धांजलि भेंट की। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक एवं श्री देवी तलाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष शीतल विज, विधायक रमन अरोड़ा, वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, महासचिव राजेश विज, पूर्व विधायक केडी भंडारी, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, अर्जुन मल्होत्रा, वीरेंद्र मल्होत्रा, CAVM अरोड़ा, दमन मेहता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, सुनील अरोड़ा, बॉबी ढल, राकेश चड्डा, पंडित सोमनाथ, पवन मेहता, अमरजीत सिंह अमरी, संजय कोचड़, बलदेव आनंद, रमन शर्मा, अश्विनी शर्मा, श्याम लाल चड्डा, विजय खुल्लर सहित धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय रीटा अलंग को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। शोक के सागर में डूब रहे कि ऐ अजल तुझसे भी क्या नादानी हुई, कि ऐ अजल तुझसे भी क्या नादानी हुई, फूल भी वो तोड़ा गुलशन भर में वीरानी हुई, जाने का समय नहीं था, अभी बहुत खुशियां देखने वाली थी, पर अचनचेत अचानक ही काल की ऐसी अंधेरी चली और स्वर्ग श्रीमती
रीटा अलग को अपने साथ ले गई। कुदरत ने देखो कि ये कहर कमाया, जो कल तक से अपना आज हुआ पराया। कुदरत ने भी कम नहीं है, वो भी मां है। जिस घर से मां चले जाती है वो समझ लो एक कोहिनूर हीरा चले गया। उसकी क्षति उसका नुकसान कभी भी पूरा नहीं हो सकता, उसका दुख कभी नहीं पूरा हो सकता। परिवार के लिए सारी जिंदगी का रोना है। मां का जाना कोई एक महज आसान काम नहीं है, छोटा काम नहीं। इस छोटी सी उम्र में, छोटी सी अवस्था में अभी पूरी जिम्मेवारी पड़ी है। अभी लड़की अपने घर जाना है, उसने बहू को भी चंद दिन होने हैं आए को। ऐसी पोजीशन में मां का जाना बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख जिसको कम नहीं किया जा सकता। फिर भी मां जगत जननी मां शक्ति जो इतना बड़ा दुख देती है वो आपको सहने की भी शक्ति देगी। Thank you.
और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। सीआईए स्टाफ बठिंडा ने गश्त के दौरान एक नशा तस्कर को किया काबू। 10 ग्राम हेरोइन, 600 ग्राम गांजा, 99,000 रुपए की ड्रग मनी की बरामद। बठिंडा की केंद्रीय जेल में तलाशी के दौरान 6 तंबाकू की पुड़िया, मोबाइल फोन, डोंगल और चार्जर हुआ बरामद। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला किया दर्ज। जंडियाला गुरु में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निकाला गया फ्लैग मार्च। लोगों को अफवाहों से बचने की गई अपील। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।